सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल को और आने वाले सभी स्कॉलरशिप्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एक बार फिर से आप सभी का स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने जा रहे हैं AWOO स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो हायर एजुकेशन के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपको जानना है क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे आप इसे एक्यूरेट तरह से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए चलते हैं scholarshiplife.com पर। अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन रेडी है एक्टिवेट करने के लिए AWOO स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स टू ब्रिलियंट हार्डवर्किंग कैंडिडेट्स हु डिजर्विंग अनप्लीवेड स्टूडेंट्स। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस फाउंडेशन का, यंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना फॉर हायर एजुकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना और एक्यूरेटली एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल इंडिया स्कॉलरशिप दे रखी है, यहाँ पर क्लिक करके आप पूरी इंडिया की स्कॉलरशिप्स जान सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्कॉलरशिप्स की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट्स परस्यूइंग करना चाहिए, डूइंग करना चाहिए अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स, और जो फ्रॉम विद द फाइनेंशियली वीकर सेक्शन, वो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्कॉलरशिप आफ्टर 12th दे रखी है, जितने भी क्लास 12th के बाद स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पर आप क्लिक कर उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है AWOO स्कॉलरशिप्स का? ये सपोर्ट करता है डिजर्विंग कैंडिडेट्स फॉर लो इनकम फैमिलीज टू परस्यू देयर ड्रीम्स ऑफ हायर एजुकेशन। ट्यूशन फी पूरी पे करता है और मेक इजर हायर एजुकेशन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ईजी हो जाती है इस स्कॉलरशिप स्कीम्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? एक तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, जीरोस कॉपीज ऑफ मार्कशीट और प्रीवियस ईयर सेमेस्टर, जो आपका लास्ट सेमेस्टर होगा उसकी जीरोस कॉपी लगेंगी। इंस्टीट्यूट का एडमिशन लेटर लगेगा, इंस्टीट्यूट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसिव, जितना भी उसका एक्सपेंसिज होगा पूरा ईयर का पूरा एस्टिमेट लगेगा, और टोटल कोर्स फी रिसिप्ट लगेगी फॉर द ईयर। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको केयरफुली रीड करना है कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको विजिट करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फाइंड करना है, जो हमने नीचे दिया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्टली भरना है, इंक्लूडिंग पर्सनल कोर्स डिटेल्स। फिर उसके बाद आपकी जितनी भी एकेडमिक हमने जो बताए हैं क्लास 10th की 12th की मार्कशीट लगानी है और इसे सेव कर देना है। फिर लॉगिन करना है ईमेल और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, और जो ध्यान रखना है जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो जिप फाइल में करते हैं। जिप फाइल वो होती है जो आपके को छोटा कर देती है साइज को, जो ईजिली अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको प्रीव्यू देखना है और फाइनल सबमिशन कर देना है और प्रिंट आउट ले लेना है रिकॉर्ड फॉर सबमिट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर क्वारी मेल की तरह यहाँ पर क्वारी मेल दे रखी है, कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ से मेल से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मीट द स्कॉलर, जो लास्ट ईयर के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप्स हैं, वहाँ पर इसकी जानकारी ले सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार। यहाँ पर पूरी आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कैसे इन्होंने 2016-17 में स्कॉलरशिप्स को गेन किया। और अप्लाई लिंक यहाँ पर है, यहाँ पर जाकर आप इस स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अप्लाई का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं।